गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर वाला सेशन ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का पेपर एक दिन हम लोग सीएचएसएल का पेपर करते हैं और एक दिन हम लोग करते हैं सीजीएल का पेपर तो कल हमने सी किया था आज हम लोग सीजीएल का पेपर कर रहे हैं और यहाँ पे ये वाली जो क्लास है इसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एज अ टेस्ट करते हैं और हर रोज हम देखते हैं कि कितनी आराम से पेपर जो है वो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं आता इजी टू तो मॉडरेट पेपर पहले के पेपर मॉडरेट आते थे और अब के पेपर जो 2019 के वो इजी आते तो बहुत इजी पेपर बस हमें क्या चाहिए होता कंसंट्रेशन फोकस डेडिकेशन और रेगुलरिटी इसलिए हर रोज ये पेपर आता है हर रोज प्रैक्टिस करें हर रोज सॉल्व करें राइट आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन आज का सेशन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर वन देख लेते हैं अब इसका सी दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन बताइए इसका आंसर क्या होगा द सीईओ ओनली डिस्कस द न्यू वेंचर विद हिज मैनेजर सीईओ जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी भी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं सीईओ जिनके ऊपर सारा दारदार होता है कंपनी का ही ओनली डिस्कस्ड द न्यू वेंचर ज मैनेजर उन्होंने अपने मैनेजर के साथ न्यू वेंचर को डिस्कस किया वेंचर क्या होता है प्रोजेक्ट होता है तो न्यू वेंचर को डिस्कस किया लेकिन लगा हुआ है ओनली ओनली डिस्कस किया न्यूचर को गाइज तुरंत से शेयर कर दीजिए मैंने शेयर नहीं किया है आप लोग शेयर कर देंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा यहां पर जो हमारा मेन वर्ड है वो है ओनली आप लोगों को पता है ओनली जिस वर्ड के पहले आता है ना वो वर्ड जो है आई लाइक ओनली यू आई लाइक यू ओनली ये दोनों एक जैसे होंगे ठीक है आई लाइक आई ओनली लाइक यू आई ओनली लाइक यू देखिए तीन सेंटेंसेस हैं ओनली आई लाइक यू सेंस बता दो देखो देखो अलग अलग सेंस है इन सबका आई लाइक ओनली यू I like only you. I only like you. Only I like you. ठीक है अब देखिए जिस शब्द के पहले ना उस शब्द को ये डिस्क्राइब करता है आई लाइक ओनली यू यानी मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ आई ओनली लाइक यू यानी कि मैं मैं ओनली लाइक यू मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ बाकी कुछ नहीं है मेरी तरफ से रिलेशनशिप में कुछ नहीं है आई ओनली लाइक यू मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ ठीक है इसमें ये बोला जा रहा है ओनली आई लाइक यू सिर्फ मैं सिर्फ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो अच्छा सा दिन लग रहा है मुझे मुझे तो नहीं खराब लग रहा है ऐसा क्या हुआ जो आपको खराब लग रहा है बताओ हाँ आंसर बताना है ओनली में प्रॉब्लम है बताइए हाँ बता दीजिए ओनली में प्रॉब्लम है यस yes, बिल्कुल प्रॉब्लम सही है सीईओ डिस्कस्ड ओनली द न्यू वेंचर ये होगा ओनली जो होगा ओनली डिस्कस मतलब कि सिर्फ डिस्कस किया और कुछ नहीं इसका मतलब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग हटाने के लिए डिस्कस किया सिर्फ क्या डिस्कस किया सिर्फ न्यू वेंचर तो इसके साथ हमारा ओनली जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा ठीक है डिस्कस्ड ओनली राइट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाले जो सेंटेंसेज हैं इनको भी बहुत ज्यादा दिमाग में रखना एग्जाम में आता है ओनली का जो यूज होता है वो आता है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टू ले लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू जो है हमारा वो है ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है ये और एसएससी ने इसका आंसर गलत बताया है ठीक है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस एसएससी ने इसका आंसर गलत बताया है मेरे हिसाब से गलत है तो हमें इसको चेक करना पड़ेगा मतलब मैं मैंने जो चेक किया उसमें वो गलत आंसर है तो आप लोग भी इधर-उधर चेक करिएगा इस क्वेश्चन को इफ शी वाज मैरिंग मिस्टर गुप्ता अगर वो मैरिंग करती यानी शादी कर रही थी मिस्टर गुप्ता से शी वुड हैव बीन recognized as mrs gupta she would have been recognized अगर यहाँ पे बीन हटा दो एक बार है ना तो हम इसको क्या पढ़ेंगे शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड उसने पहचान लिया होता अगर बीन नहीं होता तो इसका सेंस क्या निकलता पहचान लिया होता ठीक है उसने पहचान लिया होता एज मिस्टर गुप्ता एज लगते ही तो ये आगे रिकॉग्नाइज्ड एज पहचाना जाता है इस रूप में रिकॉग्नाइज एज हो गया अब देखिए बेटा इसमें क्या गड़, गड़बड़ है एस ने क्या दिया है एस ने टू में पॉइंट टू दिखा है एस एस डिस्क्रिप्शन तो देता नहीं आंसर क्या होगा तो टू लिखा हुआ वा है वहां पे अब मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ इफ शी If she अब क्योंकि have been recognized है passive है यहाँ पर है ना passive है और have plus verb third plus वो है हमारा वुड प्लस वर्थ थर्ड है तो मेरे टेबल के हिसाब से कंडीशनल टेबल के हिसाब से चले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे If she had married कर देंगे हम इसको है ना अगर 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 उसने किया होता, किसको? अगर उसने किया किया होता होता किसको हटाओ तो तब की बात है अगर उसने मैरी किया होता मिस्टर गुप्ता को तो शी वु रिकनाइज मिस एज मिस्टर गुप्ता तो ये गलत हो गया यहाँ पे ये वाला गलत है अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे इफ शी हैड बीन married, इसको ऐसे करो इफ शी हैड बीन इफ शी हैड बीन married टू मिस्टर गुप्ता passive कर दिया मैंने इसको है ना अगर उसका विवाह मिस्टर गुप्ता से कर दिया जाता अगर उसका विवाह मिस्टर गुप्ता से कर दिया जाता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज अब ये बीन सही है शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड उनको रिकॉग्नाइज किया जाता कैसे एज मिसेस गुप्ता मिसेस गुप्ता के रूप में उनको पहचाना जाता देखो यहाँ पे गाइस जो प्रॉब्लम है एक तो दो चीजें हमारा जो टेंस होता है ना वो देखो जो हैड हैड प्लस वर्ब थर्ड इस तरफ पे हैड प्लस वर्ब थर्ड इफ वाले पे और इधर क्या होता वुड प्लस हैव प्लस थर्ड ठीक है ना ये होता है लेकिन अगर हम लोग इसी का पैसिव बना दे तो हैड प्लस थर्ड का पैसिव क्या होता है had plus been plus verb third, ये होता है पैसिव ठीक है और इसका पैसिव क्या होगा वुड वर्ब थर्ड ठीक है तो यहाँ पे बीन लगा देंगे और फिर क्या लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे राइट तो, तो जबरदस्ती कोई बफरिंग नहीं हो रही है ये देखो ऐसे होगा ये आंसर इफ हैड बीन अच्छा ये चीज और देख लो अगर हमारा सेंटेंस होता एक्टिव अगर सेंटेंस एक्टिव होता जैसे होता है राम ने मैरिज किया किससे किया सीता से किया लेकिन अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे ना राम मैरिड सीता का तो इसका पैसिव क्या बनेगा सीता मैरिड सीता वॉज मैरिड टू राम सीता का मैरिज किया गया किससे किया गया राम से किया गया किससे किया गया राम से अब देखो मैरिड है ना अपने साथ टू ले लेता है टू ले, ले लेता है कब कब पैसिव में देखो टू आ गया बाय नहीं आया बाय मिस्टर गुप्ता नहीं आया टू मिस्टर गुप्ता आया तो ये टू का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा ये टू क्यों आया जैसे कि नोन के साथ क्या लगता है ही इज नॉट नोन टू मी तो नोन के साथ क्या लिखता है टू लगता है सिमिलरली मैरिड के साथ टू कब लगेगा पैसिव में लगेगा ध्यान रखने वाली बात है ये मैरिड जो है वो वो जो है वो कैसा है टीवी है कैसा है टीवी है टीवी है तो यहां पे एक्टिव में तो कोई कोई वो नहीं लेता है अपने साथ और जब पैसिव होता है ना तो ये अपने साथ क्या ले लेता है टू ले लेता है ठीक है तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में काम आएगा आपने रजिस्टर में अलग से रखना क्योंकि ये क्वेश्चन एस ने दिया है गड़बड़ तो इसको गड़बड़ को हमें ध्यान रखना है कि कैसे देखो ये चीज बहुत ध्यान से रखना बेटा ये ऊपर वाली लाइन तो हमें आती है लेकिन नीचे वाली लाइन हमें जनरली नहीं आती है तो इसमें हमने क्या कैसे बीन ही लगाया और आ गया तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे बीन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ये पैसे है यहाँ पे भी पैसे होगा तो सेंस देगा राइट आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर टू अगर क्वेश्चन नंबर टू में कोई अभी प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम बता दीजिए और आ गया है समझ में तो जल्दी से नहीं विद मैरिड नहीं आता नहीं आता ही नहीं है ये जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लोगों के माइंड में कि मैरिड के साथ विद लगा दो तो, मैरिड एक ही वो लेता है और प्रपोजिशन लेता है और वो क्या है टू लेता है ठीक है <coughs> तो यहाँ पे समझ में आ गया है लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा गाइस आगे चल रहे हैं नेक्स पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अंकिता इज डिस्कस्टेड अब देखो हर बार प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है फिक्स प्रेपोजिशन का ठीक है यहाँ पे हमें वर्ब दिया गया है डिस्गस्टेड तो डिस्गस्टेड जो है ना वो अपने साथ एट लेता है और बाय लेता है ठीक है और डिस्गस्टेड जो है वो अपने साथ विद भी लेता है तो हमें ये पता होना चाहिए विथ कब जब यहाँ पे somebody आता है तो विथ का यूज होगा और जब यहाँ पे समथिंग आता है समथिंग आता है तो यहाँ पे एट या बाय का यूज होता है तो अंकिता डिस्गस्टेड है किससे ये हमें देखना पड़ेगा किससे डिस्गस्टेड है अंकिता द हैबिट ऑफ हर ब्रदर ब्रदर के हैबिट से डिस्गस्टेड है ब्रदर से, से डिस्गस्टेड नहीं है हैबिट से डिस्गस्टेड है इसलिए हैबिट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे

प्लेन प्लेन के कॉकपिट में हमको अंदर जाने से एंटर करने से हमें क्या कर दिया गया रोक दिया गया किस कारण से ड्यू टू यानी कि के कारण किसके कारण सिक्योरिटी रीजंस के कारण वी वर वी वर है यानी पैसिव है हमें रोक दिया गया है ना हमें रोक दिया गया तो यहाँ पे डिनाइड है डिनाइड क्या है इल्जामों के इल्जामों को नकारना जो इल्जाम आप पे लगे आरोपों का खंडन करना ठीक है आरो इल्जामों को नकार देना मतलब जो गलतियां आपने की है आपको पता है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो नकार रहे हो तो उसके लिए डिनाइड रिजेक्ट हो गए आप इसका मतलब है कि आपको लिस्ट में से हटा देना ठीक है हटा दिया गया है स्टॉप डेनी होता है रोकना और यानी होता है चेतावनी देना ठीक है तो अब आपको आप ही बता दीजिए आपको यहाँ पे चेतावनी दी गई है सिक्योरिटी रीजन के कारण या हटाया गया है या इल्जामों को नकारा गया है, या रोकना तो बहुत सिंपल सा आंसर है लेकिन इसमें बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टॉप्ड होगा आपको रिजेक्ट नहीं किया गया आप डिनाइड करते हैं दूसरा डिनाइड नहीं करता है और वॉन जो है वो नहीं दिया गया है आपको सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको जाने से अंदर रोक दिया गया देखते नहीं है कई बार बैरिकेड्स लगे होते हैं रोड पे इधर नहीं जाएंगे इधर से प्रधानमंत्री की गाड़ी निकलने वाली ऐसा होता है कई बार है ना तो दैट इज स्टॉप्ड ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं आप सबने बहुत सारे लोगों ने सही आंसर इसका बता दिया अब हमारे सामने क्या है एग्जॉबिटेंट है और एग्जॉबिटेंट का हमें सिनोनिम ढूंढना है एग्जॉबिटेंट क्या होता है बहुत हाई वेरी हाई कोई चीज कोई रेट जो कैसी हो बहुत ज्यादा हाई हो ठीक है तो क्लियर यानी बहुत ज्यादा क्लियर मतलब साफ हो डल जो समझ में ना आए हाई इसका सुनने में रेयर यानी बहुत ना के बराबर कोई चीज हो अगर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं रेयर

विनम्रता के साथ मना करना ठीक है जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं आप रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि भाई रूम खाली है क्या तो रिसेप्शनिस्ट के पास रूम नहीं है खाली तो वो बहुत पोलाइटली कहती है आई आई एम सो सॉरी सर डू नॉट हैव एनी सिंगल रूम रूम फॉर यू इज नो वेकेंट तो बहुत प्यार से कहती है तो दैट इज डिक्लाइन तो जब बहुत प्यार से अगर कोई बात कही जा रही है मना किया जा रहा है तो दैट इज डिक्लाइन और अगर रिफ्यूज है तो सिंपल मना करना और डिनाई है तो आरोपों का

चोट लग जाना और रिस्क यानी खतरनाक और शरीन शरीन क्या होता है कोई चीज शरीन है तो यानी कि कैसी है काम है कंपोज है पीसफुल है ठीक है शरीन है काम है कंपोज है और पीसफुल है ठीक है शरीन बोला जाता है इसको पीसफुल के लिए शांत एकदम ठीक है मंदिर का जो टेम्परेचर टेम्परेचर क्या एक एम्बियंस होता है एक एनवायरमेंट होता है एक माहौल होता है ना वो कैसा होता है एकदम पीसफुल एकदम शरीन एकदम अच्छा सा पीसफुल सा काम सा कम्पोज सा आप बैठे रहो वहां जाके तो दैट इज शरीन ठीक है तो डेंजरस डेंजरस का synonym क्या होगा रिस्क ठीक है आइए पे चलते हैं opposite है हमें का तो देखो चर्लिश क्या होता है और uncouth. ये दोनों synonym है. दोनों synonym है. इन दोनों का मतलब क्या होता है रूड इन दोनों का मतलब होता है क्रूअल इन दोनों का मतलब क्रूअल क्रूअल मतलब, हाँ इन दोनों का मतलब होता है ब्रूटल इन दोनों का मतलब होता है निर्दयी इन दोनों का मतलब होता है मर्सीलेस मर्सीलेस सुना है ना मर्सीलेस है अगर कोई बंदा तो कैसा है उसको दया नहीं आती है ये सारी क्वालिटी किसकी होती है हिटलर की ये सब हिटलर की क्वालिटी होती है हिटलर कैसा था सुना है ना हिस्ट्री में हिटलर को कैसा होता है हिटलर क्रू क्रूअल होता है रूड होता है ब्रूटल होता है निर्दयी होता है मर्सी होता है ठीक है तो ये सारा जो वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता है हिटलर के लिए चर्लेश और अनखाउट इसके सिनोनिम होते हैं अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स है जैसे सबसे पहले जो वर्ड दिया हुआ क्या दिया हुआ है वो दिया हुआ है ब्रूट सॉरी बे लिटिल Little, यानी क्या होता है कि देखो किसी को लिटिल कर देना बी जुड़ा हुआ है लिटिल यानी स्मॉल किसी को छोटा दिखाना या किसी को लिटिल दिखाना यानी कि क्या होता है किसी को कम आंकना है ना या किसी की क्वालिटी को कम मतलब तवज्जो देना इंपॉर्टेंस देना दैट इज कॉल्ड बी लिटिल कर देना ठीक है अब कर्टियस है कर्टियस यानी क्या होता है नम्रता पूर्ण कैसे हो गए एक तो आप हैं कर्टियस तो बहुत ही पोलाइटली आप बात करते हैं बहुत लविंगली बहुत स्माइलिंगली बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से बात करते तो आप कैसे हैं कर्टियस हैं लेकिन अगर आप क्रूअल हैं अनकाउथ हैं आप मर्सीलेस हैं रूड हैं तो आप बहुत प्यार से बात नहीं करेंगे राइट और एक और वर्ड है यहाँ पे फॉवेंट है फर्वेंट है अगर तो कैसे हैं आप पैशनेट हैं डिजायरस हैं कैसे हैं पैश्योनेट है, किसी चीज के लिए आप कैसे कीन हैं ईगर हैं डिजायरस हैं मतलब हाँ महत्वाकांक्षी है कि यार ये चीज तो होना ही चाहिए तो ये सब क्या होता है ईगर होता है ठीक है अगर लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक कर दीजिएगा बार बार हम लोग सब कहते हैं क्योंकि लाइक करने से जो आगे आते हैं ना आपसे बच्चे वो लोग बहुत मोटिवेटेड थे यस कितने सारे लोगों ने लाइक करा है यानी कि ये सेशन में हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से एंटोनिम एंटोनिम है antonim के लिए हमारे पास सबसे पहला वर्ड है फ्लैगमेटिक इसको हम लोग करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा और वर्ड क्या है वर्ड है आर्डेंट तो आर्डेंट अभी अभी हमने पीछे करा था पीछे हमने एक वर्ड करा था फॉवेंट बताओ फॉवेंट का मीनिंग मैंने क्या बताया था मैंने बताया था डिजायरस डिजायरस मैंने बताया था कीन मैंने बताया था ईगर मैंने बताया था हाँ कीन बताया था फरव बताया था ईगर बताया था ठीक है ना पैशोनेट भी बताया था और एम्बिशियस भी बताया था पैशोनेट यानी किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा कैसे हो आप पैशोनेट हैं आप लस्टी हैं किसी चीज के लिए लस्टी यही होता पॉजिटिव मैनर में भी वर्ड होता है यूज इसका ठीक है कि डिजायरस है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं उस वर्ड की ठीक है चलो सेवन का आंसर बेटा बताया है ना सेवन जो हमारा क्वेश्चन था अभी इसको हटा के दिखा दूंगी करटियस uh, क्यों क्योंकि आप बहुत पोलाइट है विनम्र है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा तो कर्टियस होगा उसका आंसर ठीक है हाँ आर यानी वही जीलस हो गया जीलस ठीक है एंथुजियास्टिक सब कुछ हो जाएगा इनडिफरेंट कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज से ठीक है और यहाँ पे प्रोहिबिट प्रोहिबिट यानी क्या होता है स्टॉप करना रोकना और मर्सीलेस क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा है और पीछे शरीन होता, अभी अभी होता है काम होता है पीसफुल होता है कम्पोज होता है बताया था ना देखो ऐसा नहीं लग रहा एक ही वर्ड के आगे पीछे घूम रहे मर्सीलेस आया अभी क्रूअल आया अभी पीछे

तो हमें सिनेम अगर आते ना तो ये सब नहीं होता इसीलिए मैं कहती हूँ अपोजिट बिल्कुल मत पढ़ा करो सिनेम जितने पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा होगा हर तरीके से फायदा होगा ठीक है चलो इसी के साथ चलते हैं आगे अच्छा फ्लैगमेटिक यानी क्या होगा शीरिन पीसफुल काम और आर्डेंट क्या होगा इसका आंसर है जीरस डिजायरस एंथुजियास्टिक एंथुजियास्टिक होगा इसका और क्या हो सकता इगर, है एंथुजियास्टिक और ईगर है ना

जीरो तो उसको क्या कहते हैं कंप्लीट फेलियर कहते हैं ठीक है थीके? चलो इसके बाद है नेक्स्ट रिस्क सॉरी राइज लाइक अ फीनिक्स फीनिक्स की तरह उठना यानी कि बिल्कुल अर्श से फर्श पर इसको हिंदी में बोला जाता है अर्श से सॉरी सॉरी उल्टा बोल रही हूं मैं फर्श से अर्श पर ये हो, होगा इसका सेंस यानी कि नीचे 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 से 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 बिल्कुल गिर गए थे और नीचे से वापस ऊपर जाना एकदम ग्राफ जो से, से हाँ, फिनिश हाँ, तो टू बी सक्सेसफुल अगेन ये हो जाएगा इसका आंसर ठीक है चलो दस क्वेश्चन हो गए गाइज अपने आपको मार्क्स देना है आप सबको मार्क्स दे दीजिए खुद को मार्क्स दे दीजिए अपने को मार्क्स देते रहिए और अपने को

थोड़ा सा और लिटिल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा लिटिल मतलब ना के बराबर और द लिटिल कब आता है स्पेसिफिक केस में एट आए हैं वेरी गुड चंदन बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं टेन आ गए हैं रजनीश के कॉन्ग्रेचुलेशन दो रॉन्ग हो गए हैं रोहित के नगमा आपके थ्री ही आए हैं क्यों मदन के सेवन आए हैं और नगमा सिक्स बोल रहे हैं अच्छा नगमा वहां पे आंसर दे रही थी ओके okay.

नागेंद्र बोल रहे हैं मार्क्स आए हैं या नौ क्वेश्चन no सही हुए हैं कुछ ऐसा बोल रहे होंगे हाँ देखो ऑप्सलीट है कोई नई टकनी टेक्नोलॉजी आ जाती है तो पुरानी क्या हो जाती है आउटडेटेड हो जाती है तो आउटडेटेड होगा और रिडंडेंट है और नो नो इम्प्रूवमेंट सुपरफ्लूस के लिए क्या हो जाता है एक्स्ट्रा सुपर फ्लू यानी इसका यूज कैसा है सुपर फ्लूए अब मतलब एक्स्ट्रा है और रिडेंडेंट रिडेंडेंट क्या हो जाता है एक्स्ट्रा हो, हो जाते हैं नॉट यूजफुल नॉट यूजफुल नाउ अब उपयोग के काबिल नहीं है ये होता है रिडंडेंट तो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जो राइट है टेक्नोलॉजी के लिए वो उपसली, आउटडेटेड होगा कोई नई चीजें आ जाती हैं तो पुरानी चीजें कैसी हो जाती फालतू नहीं ऑप्सुलीट इसका राइट आंसर है ठीक है ऑप्सल्यूट होगा इसका राइट आंसर ठीक है सेल्फीज चंदन ने बोला सेल्फीज तो यहाँ पे हमें सेल्फीज अपलोड करनी है या देनी है सबको ये बताओ चंदन पूरी बात इफ यू विल देखो कंजंक्शन वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था जो गलत था ना एसएससी की तरफ से वो कैसा था वो इसी का क्वेश्चन था और वो क्या था गलत था कंजंक्शन का ही था ये दूसरा क्वेश्चन है कंजंक्शन का इफ यू अप्रोच अब यहाँ पे हम लोग बदलाव कर सकते हैं यहाँ नहीं कर सकते हैं. तो कंजंक्शन का पता है दो तरफ होता है इफ वाले साइड में क्या आएगा इफ वाले साइड में आएगा प्रेजेंट सिंपल और इस वाले साइड में आएगा फ्यूचर सिंपल ठीक है ना ब्रैकेट तो 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 के बाहर लिखा हुआ है तो इसको नहीं बदलेंगे इसको चेंज कर देंगे इसको यहाँ पे क्या आना चाहिए प्रेजेंट सिंपल आना चाहिए तो क्या हमें पढ़ने की जरूरत है बहुत ज्यादा नहीं क्यों क्योंकि हमें प्रेजेंट सिंपल ढूंढना है कहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है ये प, कौन सा है ये वो है will be continuous, future का है है ना तो ये क्या है प्रेजेंट है तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल ठीक है वन इसका राइट right आंसर बिल्कुल सही है बहुत सारे लोगों ने नागेंद्र ने नहीं नागेंद्र आपने थर्ड क्यों बता दिया है यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हो गया थर्टीन पे अब चलने का टाइम हो गया है थर्टीन ये रहा अच्छा एक और बात मैं यहाँ पे बता दू बजे बैंक की, क्लास है, जस्ट बाद, तीन बैंक की क्लास है, उसमें मैं लेके आऊंगी कॉमन एरर सारे टॉपिक्स के देखते हैं कितना आप लोगों को आता है चलेंगे उस बारे उसमें है ना वन वर्ड है वन वर्ड है नहीं नहीं आज कॉमन एरर नहीं सॉरी फिलर है बेटा वहां पे और फिलर है ना तो वो क्या आपका क्वेश्चन है सारा अगर आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल बैंक की क्लास एसएससी जैसे ही क्वेश्चन आएंगे दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर ये देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे एसएससी का यहाँ पे लॉजिक समझ में नहीं आया जो सेंटर से दूर है अगर आप गूगल करोगे आप थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको पढ़ोगे जो हमारा सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर है अवे है फार है तो उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है सेंट्री क्या बोला जाता है सेंट्री फ्यूगल सेंट्री फ्यूगल यानी सेंटर से क्या है अवे है दूर है ठीक है सेंट्री फ्यूगल यहाँ पे ये वर्ड नहीं दिया गया है अब ये वर्ड नहीं दिया गया है तो हमें इसका कोई आंसर कोई और दूसरा ऑप्शन दिया जाना चाहिए यहाँ पर तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दूसरा आंसर भी नहीं दिया गया है अब सबसे पहला जो आंसर है वहां दिया गया है ऑड है इसेंट्रिक है इसेंट्रिक क्या होता है ऑड होता है इसेंट्रिक पता है क्या होता है सन की जो हो जाते हैं ना थोड़े से ओल्ड पीपल हो जाते हैं ऑड है वियर्ड हो जाते हैं थोड़े से स्ट्रेंज बिहेव करते हैं अलग सा ही विजार सा बिहेव कर लेते हैं जो लोग उनको क्या कहते हैं इसेंट्रिक कहते हैं नेक्स्ट वर्ड जो है वहाँ पे वो क्या है एक्लेक्टिक है एक्लेक्टिक वो पर्सन होता है जिसके पास जो बहुत सारे चीज़ों में से बहुत सारे आइडियाज़ निकाल लेता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं एक्लेक्टिक बोलते हैं एलिप्सिस है एलिप्सिस क्या होता है ये हम लोग पढ़ी चुके हैं बहुत बार ठीक है एलिप्सिस दो तरीके की चीजें हो सकती हैं एक होता है ओवल शेप की चीज है ना ओवल शेप की चीजों को एलिप्सिस कहा जाता है जो अंडाकार होती है और लास्ट वर्ड है इक्वाइन है ना ये तो आप लोगों को पता होगा हॉर्स से रिलेटेड होता है इक्वाइन ठीक है कैनाइन वगैरह ये एनिमल्स के लिए आता है हॉर्स से रिलेटेड ठीक है अब देखो बेटा एस एस सी ने क्या किया यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल दिया नहीं और सेंट्रीफ्यूगल से रिलेटेड चीज यहाँ पे दे दी तो एक्लेक्टिक है एक्लेक्टिक का सॉरी एक्लेक्टिक नहीं एसेंट्रिक है ना है और एसेंट्रिक का मतलब होता है ऑड वियर्ड स्ट्रेंज सनकीपन है ना कोई ऐसा पर्सन जो कैसा है जिसको बात समझ में नहीं आती है या तो या फिर उसका बिहेवियर ही ऐसा होता है जो हम लोगों से एकदम टॉलरेट नहीं होता तो उसको हम लोग कम पसंद करते हैं वो कैसा होता है थोड़ा सा और थोड़ा सा वियर थोड़ा सा विजार थोड़ा सा स्ट्रेंज थोड़ा सा सनकी टाइप का अब इसने क्या किया है दैट विच इज अवे फ्रॉम सेंटर मतलब इसका मतलब है कि ये पर्सन की बात कर रहा है और वो पर्सन कैसा है वो पर्सन कैसा है जो सेंटर में जिसका दिमाग सेंटर में नहीं है अलग से तरीके से सोचता है या तो ये मान के दे दिया तो सेंट्रिक दिया आई डोंट नो बट इसका आंसर ये दिया है बट इसका राइट आंसर सेंट्रिकुगल होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं है ठीक है तो देखिएगा इसके क्वेश्चन को हमेशा बाद में कहीं पे यूट्यूब पे गूगल गूगल करिएगा इसको ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं थर्टीन हो गया फोर्टीन पे चलते वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल चीजों को वैल्यू देता है या फिर जो प्रैक्टिकली एक सेकेंड एक सेकेंड विजुअल नहीं आ रहा है इसमें पता नहीं क्यों नहीं लाइट कम है क्या वो ओके okay. हाँ चलिए देखिए एस एस स्टेनोग्राफर का पेपर कराएंगे एकदम मैंने सोच लिया है एक दिन मैं किसी दिन एस का पेपर करवा दूंगी आप लोगों को ठीक है चलो जिन लोगों ने लाइक नहीं करा वो लोग लाइक कर दीजिएगा फोर्टीन नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली ठीक है तो प्रैक्टिकली को जो वैल्यू करता है वो होते हैं प्रेगमेटिस्ट

वन वर्ड है वन हुड इज ये हो गया प्लायबल प्लाइबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है फ्लेक्सिबल कोई चीज़ कैसी है प्लाइबल है यानी उसको हम रबड़ होता है ना फ्लेक्सिबल होता है प्लायबल होता है मोड़ तोड़ सकते हैं कुछ भी हम लोग उसको कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टीन हो गया फिफ्टीन पे चल रहे हैं 15 पे चलने से पहले अपने आप को मार्क्स दे देना अच्छा दो क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लगे मुझे आज है ना वन वर्ड के क्वेश्चन है पोटेशियम एक, एक मतलब आप लोग समझते हैं पोटेशियम क्या होता है ठीक है और पोटैटो से मतलब मुझे नहीं आ रहा पोटेशियम क्या होता है हम लोग नाम सुने साइंस में पढ़ा भी है पोटेशियम पर एग्जैक्टली क्या होता है मेरे को अभी याद नहीं है प्लेंटिफ है प्लेंटिव होता है जो केस दायर करता है ना उसको बोलते हैं ठीक है जो केस दायर करता है उसको प्लान्ट बोलते हैं पेडेस्ट्राइन होता है जो पैदल चलने वाला होता है वॉकर 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 वॉक करने वाला वॉकर ठीक है वॉक करने वाला पेडेस्ट्राइन होता है पैदल चलने वाला और प्लान्ट होता है जो खुद केस दर्ज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं वादी कहते हैं है ना हिंदी में वादी कहा जाता है इसको वादी और परिवादी जिस पर केस किया जाता है ठीक है और पोटैटोज यानी आलू होता है हमें यहाँ पे ढूंढना है स्पेलिंग एरर तो ए आई की जगह यहाँ पे आई आए ए आएगा बस इतना सा ही आंसर में एरर है बाकी कुछ भी इसमें नहीं है ठीक है मॉर्निंग में थे व्हाट डज इट मीन चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हो गए सिक्सटीन सेम क्वेश्चन फेब्यूलिस यानी क्या होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज्यादा अच्छी हो जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया हो या जिसकी जिसके किसी स्टाइल ने जिसके किसी भी चीज़ ने आपको बहुत ज्यादा अपील किया हो प्रभावित किया हो आप अट्रैक्ट हो गए तो वो होता है फेब्यूलिस गॉर्जियस अगर कोई चीज़ बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल हो तो गॉर्जियस कहते हैं हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या होता है जिसमें बहुत ज्यादा वराइटी हो ठीक है विभिन्नता वाली कोई भी चीज पर्सन या फिर क्वालिटी ठीक है इनोक्स देखो इनोक्स कैसे लिखा जाता है आई एन ओ सी यू सी यू ओ s ठीक है इनाक्स है इनाक्स क्या होता है कोई ऐसा पर्सन जो कैसा हो इनोसेंट हो इनोसेंट हो मासूम हो हार्मेस हो हार्मेस हो यानी कि आपको हार्म नहीं पहुंचाने वाला हो नॉट एट ऑल हार्मफुल हार्मफुल जो नहीं हो ठीक है वो होता है इनोक्स नॉट है ना नो no नहीं आएगा यहाँ पर ठीक है चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं सोलह हो गए सत्रह पे चल रहे हैं तीन बजे मेरी क्लास है जल्दी से कराऊंगी अब मैं स्पीडली है ना क्या करना है इसमें ओके सत्रह नंबर का क्वेश्चन है पैरा जम्बल्ड का क्वेश्चन है एकदम साइड में हूं मैं आप लोग भी अपने आंसर्स यहाँ पे बता सकते हैं ठीक है मेरा फर्स्ट क्लास है विपिन यार आप तो बहुत ही लेट आए हो कितने सारे मैंने पेपर करा दिए कितने सारे ग्रामर के क्वेश्चन करा दिए कितने सारे वो कैप के सेशंस करा दिए बट फिर भी वेलकम है आपका इंडिया स्टडीज से जुड़ने के लिए और हमारे परिवार का एक और आ, एक और साथी बनने के लिए आप क्या करना है आ गए हैं जुड़ गए हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए ठीक है ग्रामर पढ़िए वो कैब पढ़िए पेपर्स करिए पिछले और जहां भी समस्या आती है समाधान मेरे नंबर पे मिलेगा वो जो कि है सिक्स थ्री डबल सेवन टू एट सेवन जीरो वन टू और अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप अब मेरे इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इंग्लिश विद सोनी मैम पे ठीक है सोनी इज माई नेम तो इंग्लिश विद सोनी मैम ठीक है और इसके अलावा कुछ नहीं बस आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी समस्याओं के साथ बहुत सारी लोगों की समस्याएं तो सिर्फ यही है कि मैम आप आंसर्स नहीं बताते हो तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब मैं मोबाइल खोलती हूँ देर आर थाउजेंड मैसेज कम से कम सिक्स नाइन्टी एट का भी आता है नंबर कभी नाइन नाइनटी एट आता है तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो मेरे पास जितना टाइम होता है एक घंटे में मैं सारे मैसेजेस का आंसर देती हूँ पर बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं इसलिए कई बार टाइम लग जाता है ठीक है चलो इसी के साथ आपके सामने क्वेश्चन है मैंने बोला इसका आंसर आप लोगों को बताना है तो असेंसिटिव माइंड इजीली एब्बॉर्ब्स द वाइब्रेशन इमेनेटिंग फ्रॉम द थॉट ऑफ द पीपल इट एसोसिएट्स विद एक सेंसिटिव माइंड जो है वो आसानी से देखो जब भी हमारे सामने ऐसा हो जाता है ना इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं वर्ड आ जाए जब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें तो देखो इसको बहुत धीरे धीरे टुकड़े करके पढ़ो आ सेंसिटिव माइंड एक संवेदनशील दिमाग जो होता है वो बहुत आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है मतलब आप आत्मसात कर लेता है किसको द वाइब्रेशन को वाइब्रेशन को कैसी वाइब्रेशन आ रही है इमेनेटिंग फ्रॉम इमैनेटिंग फ्रॉम मतलब कमिंग फ्रॉम आ रही है जो कहां से द थॉट ऑफ द पीपल लोगों के विचार से इट एसोसिएटेड विद जिस पर्सन के विचार से वो एसोसिएटेड है उससे आप लोगों को उससे सेंसिटिव माइंड इजीली वाइब्रेशंस ले लेता है जिस भी माइंड से वो जुड़ा हुआ है उससे ले लेता है और वी ऑफन से हम अक्सर कहते हैं दैट अ पर्सन इज नोन ही कीप्स पर्सन को पहचाना जाता है किससे उस कंपनी से जिससे वो Uh, जो जो कंपनी में जो उसके संगी साथी है उसको देख के पहचाना जाता है पर्सन ठीक है आगे लिखा हुआ द वायलेंट कैन बी मेड काम वायलेंट यानी हिंसक हिंसक को काम बनाया जा सकता है बाय एक्सूडिंग थॉट ऑफ लव एंड कंपेशन जब उसके अंदर आप एक्सूड कर दें फिल कर दें फिल कर दें दे, तो फिल कर दें क्या फिल कर दें लव और कंपेशन फिल कर दें तो उसको क्या बनाया जा सकता है काम बनाया जा सकता है ठीक है काम यानी पीसफुल विजिट्स टू होली प्लेसेस होली प्लेसेस की विजिट करने से आर कंसिडर्ड गुड ये भी कंसिडर की गई है, good मानी गई है अच्छी मानी गई क्यों क्योंकि द द गुड थॉट्स ऑफ होली पीपल होली पीपल के जो गुड थॉट्स होते हैं जो होली पीपल होते हैं ना वहाँ पे जो साधु संत रहते हैं उनके लिए बोला गया गैदर्ड देयर वहां पे मिले हुए जो थॉट्स हैं होली पीपल से जो वहां पे मिले हैं एंड द वाइब्रेशन जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वहाँ पे है वो डेफिनेटली अफेक्ट वो निश्चित रूप से प्रभाव डालती हैं किसको इन अ पॉजिटिव फैशन पॉजिटिव नोड पे देखो बेटा मैंने पूरा पढ़ के बताया है समझाया है क्यों क्योंकि बहुत टफ था आप सोचते हैं कि यार होगा कैसे अब मैं देखो बता रही हूं आपको होगा कैसे वी से हम अक्सर कहते हैं कि एक पर्सन को जाना जाता है बाय द कंपनी ही कीप्स जो कंपनी वो रखता है उससे ठीक है उसके पहले यहाँ पे बोला गया है अ सेंसिटिव माइंड इजीली ईजिली इजीली एब्जॉर्व कर लेता है जो जो उसके सामने आता है ना उसको वो इजीली एब्सॉर्व कर लेता है अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है द वायलेंट कैन बी मेड काम बाय थॉट ऑफ लव एंड कंपैशन और वायलेंट को भी हिंसक को भी काम बनाया जा सकता है कैसे उसके अंदर लव और कंपेशन कंपेशन को डाल के ठीक है तो इसका आंसर किससे होगा इसका आंसर होगा क्यू से स्टार्ट ठीक है क्यूँ यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि पर्सन को उसकी कंपनी से जाना जाता है सबसे पहले ये ऐसा लग रहा है ये कि इंट्रोडक्टरी लाइन है इसी से स्टार्ट कर दो लेकिन गाइस इससे स्टार्ट नहीं होगा मैंने इसलिए बोला कि हमको सबको लगेगा कि यार इससे स्टार्ट चाहिए पर ये स्टार्टिंग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि देखो हम इसको स्टार्ट करेंगे इससे वायलेंट को भी काम बनाया जा सकता है ठीक है कैसे बनाया जा सकता है अब देखो क्यों क्योंकि पता नहीं है क्या पता नहीं है क्या? जब कहा जाता है कि कंपनी से ही पहचान कर सकते तो वायलेंट को भी काम बना दो बन तो तो का पेयर बनेगा आर और क्यू का पेयर सिर्फ यहाँ पे है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ है, है पर एस जो है वो कब आएगा विजिट टू होली प्लेसेज आर कंसिड उनको भी गुड माना जाता है क्यों फिर आएगा ये पी और फिर एस आएगा देखो सेंसिटिव माइंड उन सब चीजों से वाइब्रेशन ले लेता है फिर यहाँ पे वाइब्रेशन की बात करी गई है कि वहां पे जो लोग होते हैं उनसे वाइब्रेशन वो लेगा तो एस और पी का पेयर है मतलब पी और एस का पेयर और आर और क्यू का पेयर इसलिए ये आर क्यू पी एस होगा ठीक है आई होप आप लोगों को समझ में आएगा एक एक वर्ड मैंने करवाया है यहाँ पर आते हैं एटीन पर 18 में क्या लिखा हुआ है द अप्रोच टू आइडियलिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज देन लिख दिया गया तो देन वाले को काट दो ठीक है

अप्रोच टू आइडियलिज्मीन डिफरेंट टू दैट ऑफ ईस्टर्न करें अगर हम तो वेस्टर्न फिलोसोफर अलग राय रखते हैं और ईस्टर्न फिलोसोफर अलग राय रखते हैं ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट ठीक है यहाँ बोला गया है एपिस्टोमोलॉजिकल idealist यहाँ पे आइडियलिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे आइडियलिज्म की बात करिए तो यहाँ से शुरुआत ना होगी यहाँ होगा अब देखो यहाँ बात करिए इन मच ऑफ दॉट ये होता है इट इज देन और उसके बाद जस्ट अपोज्ड विद रियलिज्म तो ये सब तो स्टार्ट नहीं होगा स्टार्ट किससे होगा सिर्फ किससे स्टार्ट होगा तो ये सब को हम लोग काट देंगे चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे प्लेटो हीगल सबकी थ्योरी मिल जाएगी उसके अकॉर्डिंग इसको बताया गया है ठीक है कोई बात नहीं गलत हो गया तो क्वेश्चन टफ थे अगर हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं एग्जाम में इतने टफ अब नहीं आते हैं अब चेंज हो गया ये सबसे इजी क्वेश्चन है कर्नाटका उगाता है क्या कॉफी उगाता है तो कॉफी उगाई जाती है किसके द्वारा कर्नाटका के द्वारा ठीक है अब बस प्रॉब्लम क्या है बाय नहीं आएगा बाय नहीं आएगा कर्नाटका पर्सन तो है नहीं जो उगाएगा कहाँ उगाई जाती है कर्नाटका में उगाई जाती है इसलिए ग्रोन इन इसका राइट right आंसर है इसमें इज इस नहीं दिया गया इसलिए गलत है इसमें बींग लगा दिया क्यों लगाया पता नहीं इसमें बी लगा दिया पता नहीं क्यों इसलिए ये सब गलत है लेट द कॉफी बी ग्रोन कॉफी उगाई जाए ये सेंसेस का इसलिए ये वाला भी गलत है ठीक है उन्नीस हो 20 पे चल रहे हैं

डोंट फॉरगेट भूलना मत अपना वॉलेट ले जाना मत भूलना यहां बोला गया तो यहां एग्जैक्टली exactly याद दिलाएगा गोपाल मदर सेड रिमेंबर योर वॉलेट याद रखना वॉलेट याद रखना वॉलेट जैसे तो पहाड़ा हो कोई या फिर कोई वो हो क्या बोलते हैं रूल की किताब हो जिसको याद रखना ऐसे बोला गया हेर इज वॉलेट गोपाल यहां तुम्हारा वॉलेट ये देते हुए ये लो तुम्हारा वॉलेट वो है, है सेंटेंस तो so, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा क्या आएगा सेकेंड आएगा ठीक है इसके बाद ट्वेंटी हो गया कौन सा ये कर्नाटका ग्रोज कॉफी कर्नाटका कॉफी उगाता है कॉफी उगाई जाती है कर्नाटका में ठीक है ये इसका आंसर है बाकी सब में टेंस की गलती देखो यहां पे हेल्पिंग ऑफ नहीं दिया हुआ है यहां पे हेल्पिंग नहीं दिया यहां आई एनजी दे दिया गया यहां पे का लेट का यूज किया गया लेट का यूज आता है बताया था ना इंपेरेटिव में आता है इसलिए यहां पे नहीं होगा ठीक है पैसेज बहुत टफ सा है ऑर्गेनाइजेशन आर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन होती है इन विच में कॉम्पीट करते हैं. जो हैं आपस में कॉम्पीट करते हैं किस लिए, 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 लिए रुतबा होता है तो रुतबा से मैच करता है वो वर्ड मनी नहीं है सक्सेस नहीं है सक्सेस और ग्रोथ एक ही है तो ये दोनों नहीं है पावर स्टेटस और पावर से स्टेटस और पावर से करते हैं कंपटीशन दे कहा गया they they dash for देखो दे डैश फॉर वो कॉम्पीट करते हैं किसके लिए रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के रिलाय यानी भरोसा रिलाय ऑन लेता है अपने साथ एक्सपेंड और रन रन फॉर फॉर या एक्सपेंड नहीं वो देखो अभी अभी आया पीछे वो कंपीट करते हैं कॉम्पीट करते हैं कॉम्पीट करते है, तो यहां पे भी आएगा कॉम्पीट ठीक है ना तो यहां पे आएगा दे कॉम्पीट फॉर द वो कॉम्पीट करते हैं किसके लिए अब बताया रहा है कि किसके लिए कॉम्पीट करते हैं फॉर द रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सिस के लिए वो कॉम्पीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के लिए डैश टू एक्सपैंड देयर ओन डिपार्टमेंट्स अपने डिपार्टमेंट को एक्सपैंड करने के लिए बढ़ाने के लिए तो क्या फाइनेंस पैसा चाहिए ना डिपार्टमेंट को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बिल्डिंग सोर्स और रिसोर्सेज नहीं सोर्स और रिसोर्सेज क्योंकि सोर्स तो कोई चीज होती है रिसोर्सेज भी कोई तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनेंस फाइनेंस चाहिए किस लिए डिपार्टमेंट उसको को बढ़ाने के लिए फॉर डैश एडवांसमेंट डैश एडवा आगे बढ़ना किस में आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस में टेक्नोलॉजी में रीजन में या फिर करियर करियर में आगे बढ़ने के लिए क्योंकि कंपटीशन है कंपनी है ठीक है ना तो करियर uh, में आगे बढ़ने के लिए एंड फॉर पावर और पावर चाहिए किस लिए टू डैश द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स दूसरों की एक्टिविटीज पे डैश करने के लिए तो पावर मिलेगा तो आप क्या करोगे दूसरे की एक्टिविटी को असर डालोगे कव करोगे कंट्रोल करोगे परस्यू कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए ठीक है बेटा तो यहां पर क्या आएगा कंट्रोल आएगा राइट यहां पे हमारा जो, पैसे जो वो पूरा खत्म होता है बजने वाले क्लास आने वाली में करवा रही और और पूरे वो हैं और सारा आस पास के है। जरूर आइएगा तीन बजे वाली क्लास में दस मिनट बाद है इसलिए मैं चंदन रिपीट नहीं करवा रही हूँ क्वेश्चन आपका मैंने देख लिया है पर मैं करवा नहीं पाऊंगी सॉरी टू से आप प्लीज रिपीट करके देख लीजिएगा सेशन को ठीक है अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कराते हैं सच्ची में हम लोग करवा रहे हैं बहुत मेहनत लेकिन आप लोग उसका रिजल्ट नहीं दे रहे इज और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यहा नाउ ठीक है तो आप लोग अगर बताएंगे तो अच्छा होगा यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू वेरी मच